24/7 teachers training, a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानब से खुशामदीद। ये सेशन दूसरी जमात की वाकफियत आमा के बाब नंबर 3 पर है। उनवान है हुकूक व फराइज। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात तालुम पर। इस बाब के अख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि हुकूमत की तारीफ बयान कर सके, यानी डेफिनेशन। हुकूमत को जो सहूलियात शहरियों को फराहम करनी चाहिए उनकी निशानदेही कर सकें। शहरियों से कोई से 3 हकूक की फहरिस्त बना सकें, जैसे खुराक, मुफ्त तालीम, तहफ्फुज, सेहत और बराबरी। ये शऊर पैदा कर सकें कि हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक आज़ादी से जिंदगी गुजारने का हक हासिल है और मुयस्सर हुकूक के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों की शिनाख्त कर सके, यानी जो हुकूक उनको हासिल है। बच्चों को उन बाप के उनवान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, बाप के उनवान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम यह हरफ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। बच्चों से पूछें कि वो कौन सी चीजें हैं जो उन्हें हर हालत में मिलनी चाहिए, यानी उनके बगैर बच्चों का गुजारा ही नहीं है। वो बहुत जरूरी हैं, वो उन्हें हर हालत में मिलनी चाहिए। अब बच्चे आपको मुख्तलिफ चीजें बता सकते हैं, मुख्तलिफ नौ जवाब दे सकते हैं, तो आप भी अपना हिस्सा उस जवाब में डालें कि ये चीजें हैं जैसे खाना, कपड़े, स्कूल में पढ़ाई, सोने और खेलने के लिए वक्त वगैरह। कुछ ऐसी चीजें भी बच्चे बता सकते हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है। अब देखें ना, अगर कोई बच्चा कहे कि जी नहीं, चॉकलेट भी मिलने चाहिए, तो उसके बगैर तो गुजारा हो जाएगा। अगला सवाल है कि वो कौन से काम है जो उन्हें हर हालत में करने चाहिए। देखें, पहले सवाल में तो हमने पूछा कि कौन सी चीजें हैं जो उन्हें हर हालत में मिलनी चाहिए। अब ये सवाल है कि कौन से काम हैं जो उन्हें हर हालत में करने चाहिए। ये भी बच्चे मुख्तलिफ जवाब देंगे। अब इनमें शामिल है जो आप अपनी गुफ्तगू के जरिए उसमें शमूलियत कर सकते हैं। साफ सुथरे रहना, बड़ों को सलाम और उनका अदब करना, मेहनत से पढ़ाई करना वगैरह। बच्चों को बताएं कि जो चीजें उन्हें मिलनी चाहिए वो उनके हुकूक हैं और जो काम उन्हें करने चाहिए वो उनके फराइज हैं। अब इन दो अल्फाज पर आप जोर देंगे और फराइज की जगह आप उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लफ्ज ड्यूटीज सुना हुआ है, हुकूक उन्होंने शायद अभी तक न सुना हो। आप कम से कम फराइज का बता सकते हैं कि ये उनकी ड्यूटीज हैं। अब आप बच्चों को बताएं कि उनके अगले बाप का उनवान है हुकूक व फराइज, और फिर आप बच्चों को इस बाब के दर्ज-ए-ज़ैल मशमूलात से आगाह करेंगे। उन्हें बताएंगे कि बच्चों, इस बाब को पढ़ते हुए आपको यह मालूम होगा कि हुकूमत किसे कहते हैं, और फिर शहरियों के हुकूक क्या क्या हैं और शहरियों के फराइज क्या क्या हैं। शहरियों के बारे में आप मुख्तसर ये बता सकते हैं कि इस मुल्क में रहने वाले जितने लोग हैं उनको शहरी कहा जाता है, और आप शहरियों के हुकूक और फराइज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं फरहंगे अल्फाज व मानी की जानिब। इंतजामिया, हुकूमत का वो हिस्सा जो लोगों से कवानीन पर अमल कराता है। जैसे आप उनको बता सकते हैं कि जैसे पुलिस है और इस तरह के और इदारे हैं या लोग हैं जो कवानीन पर अमल कराते हैं, वो इंतजामिया है। अवाम, हम लोग, निजाम, सिस्टम। मैंने आपसे गुजारिश की थी ना कि कभी कभी आपको उर्दू लफ्ज, उर्दू अल्फाज के मानी बताने के लिए अंग्रेजी अल्फाज का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए कि
आजकल चूंकि अंग्रेजी के अल्फाज का इस्तेमाल उर्दू गुफ्तगु में भी बहुत होता है, बच्चे सिस्टम तो समझते हैं, निजाम का लफ्ज शायद उनके लिए नया हो। आमद और रफ्त, आमद के मानी आना, रफ्त के मानी जाना, और आमद और रफ्त के मानी हो गए आना जाना। रोजगार, रोजी कमाने का जरिए। आप बच्चों को ये कह सकते हैं अगर रोजी उनको मुश्किल लगे कि आप अपनी घर चलाने के लिए आपको जो पैसे चाहिए, आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब से आपको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो जो भी आप जॉब करते हैं वो आपका रोजगार है। कोई काम करते हैं, जरूरी नहीं कि वो कोई नौकरी हो। मुलाजमत नौकरी, जराइम जुर्म की जगह। जुर्म की वजाहत आप कर सकते हैं कि कोई आप गैर कानूनी काम करते हैं तो फिर वो जुर्म कहलाता है। अदालत, जहां इंसाफ किया जाए। तहफ्फुज, हिफाजत, सेफ्टी, फराहम करना, देना, पहुंचाना। रसूमात, रस्म की जमा, इसके मानी है रिवाज। अब ये दूसरी जमात के तलबा हैं तो रिवाज या रस्म के मानी जो हैं वो आप मिसाल देकर समझा सकते हैं कि जैसे हम ईद वगैरह के मौके जो आते हैं हम अपने रिश्तेदारों को कुछ खाने की चीज़ें भिजवाते हैं या उनकी दावत करते हैं, हम हमसायों को कुछ खाने पीने की चीज़ भिजवाते हैं, तो ये हमारे मुआशरे का रिवाज है, रस्म है, जिसकी जमा है लफ्ज़ रसूमात। त्यौहार, खुशी का दिन जैसे ईद है। कचहरी, अदालत। मसाइल, लफ्ज़ मसाला की जमा। प्रॉब्लम्स, अब देखें ना बच्चे लफ्ज़ प्रॉब्लम से तो पूरी तरह वाकिफ हैं, लफ्ज़ मसाला कम इस्तेमाल होता है तो इस लफ्ज़ को दुरुस्त बोला नहीं जाता, मसला कह देते हैं लोग। जब भी मौका मिले मोहतरम टीचर, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इस तरह उर्दू ज़ुबान का भी भला हो जाएगा, आप दुरुस्त तलफ़ुज़ भी साथ साथ ज़रूर बोलें और बच्चों को भी आप इस तरफ माइल कर। मसाला, मसाला। दिफा, डिफेंस, हिफाजत। बंदरगाह, समंदर के किनारे बहरी जहाज़ों के ठहरने की जगह। अब हम आते हैं मतन से मुतालिक तशरीहात की जानिब। ये सफ़ा नंबर 26 के आखिर में दी गई तस्वीर में दिखाई गई इमारतों का मकसद। अब ये सरगर्मी है किताब में से मैं पढ़ रहा हूँ कि दी गई तस्वीर को देखते हुए दी गई खाली जगहों पर उनके क्याम का मकसद तहरीर करें। ये जो किताब में जगह दी गई है ये बहुत कम है, जाहिर है तस्वीर के साथ उसका नाम भी हमें देना होगा, बच्चों को लिखना चाहिए और फिर उनके क्याम का मकसद क्या है, ये आप अलग से उनसे आप लिखवा सकते हैं। पहली तस्वीर है, पहली से मुराद दायां हाथ की पहली तस्वीर, ये सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर है जो मुल्क की सबसे आला अदालत है, और आप बच्चों को उनके लिए मुश्किल होगा बयान करना, ये आप बता सकते हैं बच्चों को ज़ुबानी ताकि वो लिखने की कोशिश करें बाद में कि ये मुल्क की सबसे आला अदालत है और यहाँ इंसाफ मिलता है, इसके बाद फिर ऊपर कोई अदालत नहीं है। उससे अगली इमारत जो बहुत शानदार नज़र आती है, वरना इस तरह की इमारतें पुलिस स्टेशन के लिए कहाँ होती हैं, लेकिन फिर भी नाम पुलिस स्टेशन हो गया और मकसद इसका है कि यहाँ मुजरिम पकड़कर लाए जाते हैं। आखिरी तस्वीर बाएं हाथ की, ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तस्वीर है। तकरीबन 150 साल पुराना कॉलेज, इसका शुमार मुल्क के बेहतरीन कॉलेजों में होता रहा है। आजकल इसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है और इस इमारत का मकसद तालीम है, या बच्चों को बताएंगे ताकि वो लिख सके। इसके बाद जो मतन से मुतालिक तशरीह है वो है कि मजहबी आज़ादी क्या है। जाहिर है बच्चों के लिए मुश्किल होगा इसको समझना जब तक आप उन्हें तफसील से बताएंगे नहीं। आप उन्हें बताइएगा कि हमारे मुल्क में मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मजाहब के मानने वाले रहते हैं और इनमें
ईसाई शामिल हैं, हिंदू शामिल हैं, सिख शामिल हैं, और मजहबी आज़ादी सबको हासिल है और होनी चाहिए। हर मजहब के मानने वालों का हक है कि वो आज़ादी के साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकें और इबादत कर सकें। आइए बात करते हैं सरगर्मियां और अमली काम की। सफ़ा नंबर 27 पर, जिसका हासिल ताल्लुम नंबर 2 और 3 है, ये हुकूमत के फराइज और शहरियों के हकूक पर मकालमा करवाना है बच्चों से आप। अब ये सरगर्मी लिखना तो बहुत आसान होता है कि भई ग्रुप बनाएं दो दो बच्चों के, जिसमें से एक बच्चा सरकारी अफसर बने और दूसरा शहरी का किरदार अदा करे, दिए गए वक्त में हुकूमत के फराइज और शहरियों के हकूक के बारे में मकालमा करें। लेकिन मोहतरम टीचर, इसकी सारी, इस सरगर्मी की सारी मनसूबबंदी बहरहाल आपने खुद करनी है। उसके लिए मैंने कुछ निकात आपकी खिदमत पर पेश कर दिए हैं। इस बाब के मतन की मदद से जो बातें इसमें शामिल हैं, इस मतन में जिनका जिक्र हो चुका है, आप खुद एक मकालमा तहरीर करें। दो बच्चों का इंतखाब करें, उन्हें मकालमा बोलने की मश्क करवाएं। वरना अगर आप मश्क नहीं करवाएंगे तो जब वो मकालमा कमरा जमात में बच्चों के सामने बोलेंगे तो पुरेतमाद नहीं रहेंगे। उन्हें पहले से आप मश्क करवा दो, फिर दोनों बच्चे जमात के सामने मकालमा बोले। आप अफसर ने जो बातें करनी है, और ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है कि तवील मकालमा, आप मुख्तसर मकालमा तहरीर करें और एक को अफसर बनाएं और एक शहरी का किरदार अदा करें। फिर मुंतखब बच्चों की हौसला अफजाई करें, जैसे भी उनकी कारकर्दगी हो आप बच्चों से तालियां बजवाएं और उनको शाबाश दें। मोहतरम टीचर, ये सेशन यहाँ तक ही। आपकी समात का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।